हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग सी टेट का जो है सी टेट का कुछ हम लोग पढ़ते हैं। जो ज्योग्राफी, आज का टॉपिक ज्योग्राफी है और सी टेट में पूछे जाएंगे। फिर से आपको एक ना एक क्वेश्चन आएंगे ही। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना। पृथ्वी का आंतरिक संरचना, इसको हम बोल सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी का आंतरिक संरचना, तो ये समझेंगे कि पृथ्वी का जो है बनावट कैसे है अंदर की ओर, तो हम लोग तो जानते नहीं हैं। लेकिन चलिए आते हैं टॉपिक पे फटाफट। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बहुत अच्छा वीडियो, आपको यहाँ पे आई बटन होगा, वहाँ क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। उसमें से कुछ जो 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में आपको फिक्स है एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए समझते हैं कि आंतरिक पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वो समझते हैं, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। टुडे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ स्टडी हम लोग करेंगे आज जो है वो है। तो चलिए समझते हैं कि पृथ्वी के जो यहाँ पे एक सेंटर है, और इस सेंटर में अगर हम देखा जाए कि यहाँ से लेंगे यहाँ का, मतलब यहाँ सेंटर है, और अगर यहाँ त्रिज्या देखा जाए, पूछा जाएगा पृथ्वी के त्रिज्या क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? 6,370 किलोमीटर आंतरिक त्रिज्या, मतलब पृथ्वी का त्रिज्या क्या 6,370 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे यहाँ जो है यह त्रिज्या है। अगर यहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये खोज निकाला कि पृथ्वी के जो अंदर है वो मतलब कितने प्रकार, किस तरह का है, वो चीज़ पता किया। लेकिन सभी पता करने के, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पता किया, तो पता करने के बाद पता चला कि ये जो पृथ्वी है वो पृथ्वी जो है अंदर में तीन भाग है। तीन भागों का मालूम किया और तीन भाग दिया। फर्स्ट जो भाग था, मतलब फर्स्ट पार्ट जो था, फर्स्ट पार्ट जो भूपर पट्टी बोलते हैं, सेकेंड पार्ट बताया गया कि सेकेंड पार्ट जो है वो मेंटल है, और थर्ड पार्ट को बोला गया, जो थर्ड पार्ट है वो जो है क्या है, कोर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और एक ना एक क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछा जाएगा। तो समझते हैं, देखिए ये जो यहाँ पे समझ रहे हैं कि पृथ्वी, तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी को वो भी पता कर, वैज्ञानिकों ने ये पता किया कि वहाँ जो टेम्परेचर क्या है वो भी पता किया, घनत्व क्या है वो भी, डेंसिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है, उसके बाद मोटाई क्या है, ये सारे कुछ ये डिस्कस किया। लेकिन आपको जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात देखते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी का जो देखा जाए, इसको यहाँ से लेकर यहाँ ये भाग, इसको हम यहाँ से उठाकर यहाँ लिखते हैं। ठीक है, पूरे ध्यान से समझेंगे और पूरे अच्छे तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, और पूरे ध्यान से समझिएगा, दिमाग को पूरा कंसंट्रेट कीजिए और आराम से समझिए। देखिए ये जो है पृथ्वी का वही भाग है जो यहाँ से हम कटिंग करके यहाँ पे लिखे हैं, और इसको ये भाग। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है कि वैज्ञानिकों ने क्या, फर्स्ट जो भाग था, मतलब फर्स्ट जो ये बोला गया यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्या है, बोला गया भूपर पट्टी। यहाँ का भाग का जो बोला गया भूपर पट्टी ये बोला। सेकेंड बोला गया कि सेकेंड का जो भाग है, सेकेंड जो पार्ट है, उस सेकेंड पार्ट में बोला गया ये जो है आपका मेंटल है। क्या है? मेंटल। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम में जो लास्ट जो सेंटर है, इस सेंटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इस भाग को बोला गया, इस पार्ट को बोला गया कोर। क्या बोला गया? कोर। ठीक है, कोर। अगर हम यहाँ बात करेंगे इसका, अगर इसको दूसरे नाम से ये भी जानते हैं, इसको हम लोग सियोल बोलते हैं। ठीक है, सियोल, और इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल को बोलते नहीं, इसका दूसरा जो है ये, इसको हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं, सीमा। और इसको जो है हम लोग बोलते हैं सीमा, इसको बोलते हैं निफे, निफे। ठीक
ठीक है, निफ है, तो समझेंगे यहाँ पे केंद्र है। मैंने बोला कि सेंटर पे देखेंगे तो सेंटर में आपका इसका से बोलेंगे पृथ्वी के त्रिज्या क्या है, तो हम लोग 6,370 किलोमीटर है, ये याद रखना है, ये केंद्र पे है। चलिए आप समझते हैं कि इसका इसका क्या समझते थे कि पहला जो है आप देखेंगे यहाँ पे देखिएगा कि बोले कि तापमान क्या है, तापमान के बात किए थे, दूसरा बात किए थे घनत्व, दूसरा क्या बात किए थे, दूसरा क्या बात किए थे घनत्व, तीसरा बात किए थे कि इसका जो है घनत्व, उसके बाद इसमें दाब कितना, दाब जो है प्रेशर जो है वो बात किए थे, और इसका भूकंप जो होता है अंदर से ही होता है, भूकंप कहाँ से होता है वो बात किए थे, जिसको हम भूकंप बोलते हैं जो अंदर से ही होता है, और और भी है, और क्या है जलवामुखी, जलवा है ना, जलवा मुखी, ये चीज सब अंदर से होता है, ये सारे कुछ पता किया। तो चलिए समझते हैं, यहाँ सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि भूपर्पटी, और इस एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अब, ये जो है भूपर्पटी और मेंटल और कोर, ठीक है, यहाँ से एक लाइन आया, इस लाइन को, इस लाइन का नाम दे दिया गया, इस लाइन का जो है इस लाइन का जो है, इस लाइन मतलब ये खंडित किया गया, मैं सेपरेट किया गया, इसको दो नाम दिया गया, ऊपर वाला को बोल दिया गया कि बाह्य कोर है, ये क्या है बाह्य कोर, और नीचे वाला को बोला गया आंतरिक कोर, क्या बोला गया आंतरिक, आंतरिक कोर, ठीक है आंतरिक कोर, और बाह्य और आंतरिक कोर को जो डिवाइड करता है मतलब बांटता है, वो सेपरेट करता है, तो उसको हम लोग उस लाइन को क्या बोला गया, लेहमेन, लेहमेन क्या, लेहमेन डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, याद रखिएगा ये आएगा आपको, अगर बोल दिया जाए बाह्य कोर और आंतरिक कोर को जो सेपरेट करने वाला जो लाइन है, उस रेखा है, वो जो लाइन उस सेपरेट करता, उस लाइन का क्या नाम है, या उस रेखा का क्या नाम है, या कुछ भी पूछे, अगर बाह्य कोर और आंतरिक कोर को सेपरेट करता है तो वो कोर का क्या नाम है, उस बीच का नाम क्या है, तो लेहमेन डिसकंटिन्यूटी, समझ में आ गया। और यहाँ पे ये हो गया, आपको यहाँ देखना है इस लाइन का नाम, अगर बोल दिया बाह्य कोर, और यहाँ पे एक और बनेगा, और यहाँ पे एक और बनेगा, ध्यान से समझेंगे, अगर यहाँ पे देखा गया, अगर इस जो है खंडित कर रहा है क्या मेंटल को, और मतलब कोर को क्या कर रहा है, मेंटल और कोर को सेपरेट कर रहा, उस लाइन का जो नाम है, उस लाइन का क्या नाम है देखेंगे, गु क्या नाम है, गुटेन वर्ग डिसकंटिन्यूटी, क्या है डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, इस लाइन को बोला गया डिसकंटिन्यूटी, और इस लाइन को बुला गया लेमेन, लेहमेन डिसकंटिन्यूटी। अगर इस लाइन का बात किया जाए, इस लाइन का क्या नाम दिया गया, इस लाइन का नाम दिया गया मोहो, मोहो बी बेसिक, मोहो बेसिक डिसकंटिन्यूटी, क्या बोला गया मोहो, मोहो बेसिक डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटी, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब ये जो है ये बाह्य कोर हो गया, आंतरिक कोर हो गया, अगर हम यहाँ बोले कि अगर ये मेंटल है, इसको हम ऊपरी बोलेंगे, ऊपरी मेंटल, ठीक है ऊपरी मेंटल, और ये बोलेंगे निचली मेंटल, निचली या निचले, निचली मेंटल,
समझ में आ रहा होगा, निचले मेंटल। अगर इस लाइन जो है, इस लाइन का जो नाम दिया गया, इस जो लाइन है, इस लाइन को जो सेपरेट कर रहा है कि निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल को जो क्या करने वाला है, सेपरेट करने वाला है, उस सेपरेट का क्या नाम है, तो आपको क्या लिखना है इसे बता रहे हैं, रेप्टी ससंबंधता। क्या लिखेंगे, इस लाइन का नाम रेप्टी, रेप्टी है ना, रेप क्या, सॉरी क्या लिखेंगे, रेपेटी, सॉरी रेपे, हाँ रेपेटी, रेपेटी असंबंधता। क्या लिखेंगे, रेपेटी असंबंधता, असंबंधता दिख रहा है, असंबंधता ठीक है, रेपेटी असंबंधता। अगर ये लाइन की बात करेंगे, इस लाइन का, ये लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन का, तो इस लाइन के बात करेंगे तो इस लाइन का जो नाम है कौन राड, क्या नाम है, कौन राड ठीक है, कौन राड असंबंधता, असंबंधता। ये अगर पूछा जाए तो आपको ये चीज लिखना है और आपको समझना है। चलिए आप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि सबसे ज्यादा अगर भूपर पट्टी में देखा जाए, पूछा जाएगा पृथ्वी के जो भूपर पट्टी है उस भूपर पट्टी में सबसे अधिक तत्व या अधिक मात्रा में पाए जाने वाले क्या है, ऐसे पूछा जाएगा और ऑप्शन दिया जाएगा। सबसे अधिक भूपर पट्टी के सबसे अधिक जो पाए जाने वाले तत्व है, या बोल सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, 46.46 पॉइंट जो है कितना है, 46.80%। अगर सिलिकॉन के बात करेंगे, यहाँ पे सिली और एल्युमिनियम, मतलब यहाँ पे सिली और एल्युमिनियम क्यों कहा गया, क्योंकि एल्युमिनियम और सिली एल्युमिनियम सॉरी सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिक प्रधानता में, अधिक प्रधानता भूपर पट्टी में अधिक पाया जाता है, इसलिए सियोल बोला गया ठीक है। तो यहाँ सियोल जो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन कितना परसेंट पाया गया, 27.70%। अगर एल्युमिनियम की बात करेंगे तो 8 पॉइंट, एल्युमिनियम का तो 8.8 पॉइंट जो है, 8.15% पाया गया। तो ये सारे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन सबसे भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, और ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आप ऑक्सीजन मारेंगे ठीक है, ऑक्सीजन टिक करेंगे ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ सीमा क्यों कहा गया इसका, क्योंकि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता ज्यादा है, मतलब अधिक पाया जाता है, इसलिए सिलिकॉन। निफे जो है, निफे मतलब निफे की यहाँ बात करेंगे, निकोल और फेरस, यहाँ जो है फेरस, फेरस के बात करेंगे तो फेरस जो है द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ठोस ना पाकर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है फेरस, और द्रव्य अवस्था जस्ट लाइक एक प्लास्टिक के जैसा पाया जाता है फेरस। अब इतना तक समझ में आ गया होगा, इतने से ज्यादा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, एक और एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ध्यान से समझेंगे। पहला जो आपको पूछा जाएगा, अगर आप नीचे से, मतलब वो यहाँ से अगर नीचे से आते हैं और अंदर की ओर बढ़ते हैं, मतलब पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति मीटर की गहराई में तापमान कितना बढ़ता है, तो आप लिखेंगे, अगर नीचे तापमान बढ़ने की बात करेंगे तो तापमान जो है नीचे आने पर, अगर नीचे आते हैं तो तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है, 1 डिग्री सेल्सियस पर 20 मतलब 32 किलोमीटर के हिसाब से पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ये फिक्स नहीं है कि आपको 32 किलोमीटर में, लेकिन ये फिक्स है कि 32 किलोमीटर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है,
मतलब जितने जितने गहराई की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस इसके अनुसार बढ़ता है। ये फिक्स नहीं है। अगर हम 100 डिग्री 100 किलोमीटर अगर जाते हैं तो तापमान जो बढ़ सकता है वो 2 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है या 3 डिग्री सेल्सियस लगभग बढ़ सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है। इस तरीके से तापमान बढ़ता है। अगर हम यहाँ पे तापमान समझ में आ गया, अब घनत्व की बात करेंगे। अगर क्रस्ट में देखते हैं, इसको इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्रस्ट। अगर क्रस्ट में घनत्व देखेंगे, इसका घनत्व कितना है क्रस्ट में देखेंगे तो 2.7, क्या है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब इसका औसत घनत्व है। अगर यहाँ पे इसको देखेंगे मेंटल का औसत घनत्व बोलेंगे तो मेंटल का जो औसत घनत्व क्या है, मेंटल का औसत जो घनत्व बोलेंगे तो यहाँ 3 पॉइंट से 5 और 5 पॉइंट ग्राम पर cm क्यूब बढ़ता है, मतलब सॉरी घनत्व है, घनत्व है। अगर हम कोर के बात करेंगे, यहाँ कोर का घनत्व, तो कोर का जो घनत्व बोलेंगे, कोर का जो घनत्व है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, अगर एवरेज है, ठीक है, कोर का औसत घनत्व, यहाँ लिखेंगे औसत औसत घनत्व क्या है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इतने सारे क्वेश्चंस, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट आपका अगला चैप्टर रहेगा, आपको वहाँ नेक्स्ट जो है वायुमंडल पढ़ेंगे, है ना, ये पृथ्वी के अंदर की बात था, आंतरिक स्ट्रक्चर, आप उसको ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।